ग्लोबल क्यूज भी वीक हैं और साथ में आपके कोरोना के केसेस एंड द वीकनेस हैज बीन स्प्रेड अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप ऑफ ETF going down, ETF selling because of the bond yield. But मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आज 25 तारीख है. देखिए मेरा जो कैलेंडर कहता है वो कहता है 4-5 तारीख से ये बाजार बहुत स्ट्रांगली घूम जाएगा. 5 अप्रैल उसमें 5 ट्रेडिंग सेशन है. 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं आपको कहता हूँ सिप कीजिए अच्छे शेयरों में और आप जरूर कमाएंगे. वो है आज, कल और 3 दिन अगले हफ्ते के, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है. उसमें मेरे हिसाब से ये 14,300 का जो पैनिक लो था मंडे फ्राइडे का, आई थिंक दैट शुड होल्ड. बट यू बी स्टॉक स्पेसिफिक एंड दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू मेक यू नो द एक्सेलेंट रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट वीक 10 डेज बियॉन्ड दैट. सो फॉर टुडे आई थिंक ऑल द पैनिक विल बी डन इन द फर्स्ट आवर बिकॉज देर इज you know, collateral selling of jinki positions thi. But I am very, very optimistic that after this fall, the market will be even more healthy for a very good upside in the first week of April. आप कहें तो मैं आपको कॉल दूं. अब कल जो मैं सोचता हूं 5 दिन का सिप आपको जरूर करना चाहिए. फरमाइए भसीन साहब, कहां पर आपकी नज़र है और इन सिप्स पर हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरीके से अमल करते हुए दिखेंगे आपको? हाँ तो शैलेंद्र जी देखिए, कोई ऐसा FI नहीं था जो 400 रुपये पे स्टेट बैंक को 600 रुपये नहीं कह रहा था और 85 रुपये पे बैंक ऑफ बड़ौदा को 130. अब वो सब कहीं गए क्योंकि अब उनके साथ भाव नहीं है. लेकिन आपके साथ भाव है. 352-353 में स्टेट बैंक लीजिए, 345 का स्टॉप लॉस रखिए. अब 375 और 380 का टारगेट. 70.5 में बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए, 68.5 का स्टॉप लॉस रखिए. अब 80 का टारगेट. ये दोनों क्वालिटी स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में रखिए. अगले 5 दिन का सिप कीजिए और देखिए 5 अप्रैल के बाद आपको क्या रिजल्ट दिखता है. चलिए तो बैंकिंग स्टॉक्स पर भसीन साहब मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं और आपको रणनीति सेट इस तरीके से करनी है कि 5 दिन का आप हर दिन इस काउंटर को खरीदें. कल के सत्र में और अगले हफ्ते सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. इन 2 काउंटर्स पर टेक्निकल राय हम लोग लेंगे चंदन तपड़िया साहब से. चंदन जी, कौन सा बाय जोन दिखता है आपको खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर? जी देखिए, SBI है, उसकी आप बात करेंगे तो बाय जोन लगभग 249-250 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि ऊपर के लेवल से जब काउंटर वीक हो रहा था तब हम यहाँ पे लगभग 350 के लेवल की बात कर रहे थे. तो मेरे हिसाब से उस लेवल के आसपास आके इस काउंटर का जो सेलिंग है वो थमना चाहिए. तो यदि किसी को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है तो 2-4 रुपए डिप आए तो, और या फिर करंट लेवल पे 249 के सपोर्ट से ट्रेड करना चाहिए. और अब की बार यदि 360 स्टॉक निकाल देते हैं तो फिर ये 385-390 के लिए तैयार हो जाएगा. काउंटर अपने डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी में और वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है. चंदन जी, आप 350 की बात कर रहे हैं, 250 नहीं, राइट? 250 तो मेरे हिसाब से अब SBI कभी देखने को भी नहीं मिले. बिल्कुल, प्रभु ना करे 250 रेट दिखे कभी SBI पर. तो 350 का लेवल आपके सामने है खरीदारी का, जो आप राय देते हुए दिख रहे हैं. और 5 दिन का सिप आप स्टॉक में कीजिए, ये भसीन साहब आपको रणनीति सेट करते हुए दिख रहे हैं. रचना वैद्य जी से जुड़ेंगे. रचना जी, परेशानी गहराती हुई, 124 अंक नीचे निफ्टी, 14,425. बताइए क्या रणनीति और कोई ट्रेड शेयर कीजिए. जी मेरे हिसाब से थोड़ा और फर्दर हम डाउन जा सकते हैं आज के दिन में, एंड उसके बाद हमें सपोर्ट मिलना चाहिए यहाँ से करीब करीब अनदर 50-70 पॉइंट्स लोअर पे ऑन निफ्टी. और उसके बाद देखने वाली बात यह रहेगी सेकेंड हाफ में मार्केट टर्न देता है कि नहीं. अगर लॉन्ग करना है तो थोड़ी देर और रुक के फिर लॉन्ग करेंगे तो ज्यादा सेफ्टी रहेगी, और मेरे हिसाब से प्राइस भाग नहीं जाएगा उतना जल्दी ऊपर वाली साइड पे. सो यू हैव सम टाइम बिफोर यू टेक एनी लॉन्ग. और IT सेक्टर जो है वो आज डाउन साइड पे अच्छा मूव शुरू करा है उसने, और विप्रो जैसे स्टॉक्स में फर्दर लोअर साइड आ सकती है. तो विप्रो के अप्रैल के फ्यूचर्स 408 पे है, उसमें 414 का SL लगा के नीचे वाली साइड पे 403 और 400 के लेवल्स की उम्मीद आज और कल में कर सकते हैं. ओके, जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेके आइएगा, निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेके आइएगा. बहुत सारे सेल रेट से बात हमने करी, मैंने कुछ देर पहले ट्विटर पर भी डाल दी और कहा भी कि मैंने अपने शॉर्ट फ्यूचर की जो मॉर्निंग अप्रोच की थी, बैंक निफ्टी शॉर्ट फ्यूचर्स कवर कर लीजिए और इंडेक्स पर निफ्टी पर शॉर्ट कवर कर लीजिए. अभी लॉन्ग का व्यू नहीं है, एक बार इंटरडे चार्ट लेके आइएगा. याद रखिएगा ये एक एक्सपायरी डे है, तो इसीलिए 14,400 काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और
33,000 काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अब आइए आप कुछ और सेल कॉल्स पे या फिर पुट के थॉट्स पे। बजाज फाइनेंस को देखिए, ये स्टॉक जो है ना आज एक बहुत क्रिटिकल और एक मेक और ब्रेक लेवल पे है। क्यों बताता हूँ मैं आपको, इसने ये अपना एवरेज यानी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 अक्टूबर 2020 को रिकवर किया था, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था और उसके बाद तीन इंस्टेंसेस पे इन लेवल्स पे आया है। एक था 18 जनवरी, उसके बाद था 1 फरवरी और उसके बाद आज का सेशन। चंदन, इस पे कोई पुट ऑप्शन लेंगे क्या आप बजाज फाइनेंस पे, या फिर फ्यूचर्स को शॉर्ट करने का व्यू है आपका क्या? 50 डे में आपका हल्का सा स्लाइटली अब डाउनवर्ड मूव दे रहा है, आपकी अप्रोच बजाज फाइनेंस पर? जी देखिए, बजाज फाइनेंस पिछले कुछ दिनों में बाउंस दिया था, बट हर बाउंस में इसमें बिकवाली देखने को मिली और आज डिसाइसिवली 50 डे मा को ये तोड़ रहा है।